हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है थ्री क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू थ्री क्वेश्चंस। तो जो किंग थे वो तीन क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा, द किंग वांटेड टू नो द आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू बी गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ। तो किंग तीन क्वेश्चंस के आंसर इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि किंग जो थे वो बनना चाहते थे अच्छे बहुत और सक्सेसफुल, सफल अपनी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मजिशियंस। तो किंग को मजिशियंस के पास जाने की एडवाइस क्यों दी गई थी? तो इसका आंसर होगा, सम पीपल एडवाइज टू द किंग टू गो टू द मजिशियंस बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ओनली मजिशियंस कैन सी द फ्यूचर ऑफ द किंग। तो कुछ लोगों ने एडवाइस इसलिए दी थी किंग को मजिशियंस यानी कि जादूगर के पास जाने के लिए क्योंकि वो लोग मानते थे कि जादूगर ही सिर्फ भविष्य को, फ्यूचर को देख सकते हैं किंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द किंग से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है होता है किंग का, उसके आंसर में किंग किन लोगों की एडवाइस को इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी मानते हैं? तो इसका आंसर है, इन द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन पीपल सेड दैट एडवाइस ऑफ काउंसलर वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द किंग। तो सेकेंड क्वेश्चन में जो एडवाइस होती है काउंसलर्स की, काउंसलर्स मतलब होता है जो सलाह देने वाले लोग होते हैं ना, उनको काउंसलर कहते हैं। तो फिर लोग मानते हैं ऐसा कि किंग के लिए सबसे ज़्यादा सेकेंड क्वेश्चन का जो इम्पॉर्टेंट होगा पर्सन, जो लोग इम्पॉर्टेंट होंगे किंग के लिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, वो होंगे काउंसलर्स। फिर क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या सजेशंस दिए गए थे किंग को? टू गिव द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, सम सजेस्टेड रिलीजियस फाइटिंग वाइल सम अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप। तो कुछ कहते हैं कि भाई साइंस ज़रूरी है, कुछ कहते हैं रिलीजियस की आपस में मतलब रिलीजन्स बैठें बहस करें वो ज़रूरी है, कुछ कहते हैं कि जो रिलीजन के मतलब धर्म धर्म की भगवान की पूजा ज़रूरी है थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन नंबर फाइव है, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। तो वाइस मैन, क्या जो वाइस मैन था बुद्धिमान आदमी था उसने जो रिवॉर्ड था मतलब जो प्राइज था या कह सकते हैं जो प्राइज उसने निकाला हुआ था किंग ने कि जो मुझे सही क्वेश्चन के आंसर देगा मैं उसे ये दूंगा वो दूंगा, तो क्या उसने जीता था वाइस मैन ने? तो इसका आंसर होगा, द वाइस मैन डिडंट विन एनी रिवॉर्ड बिकॉज ही वॉज नॉट ग्रीडी ऑफ एनी रिवॉर्ड एंड ही वॉज वरीड टू पास हिज लाइफ विदाउट एनी वरी विदाउट एनी लग्जरी। तो मतलब जो वाइज मैन था बुद्धिमान आदमी था उसने कोई रिवॉर्ड नहीं जीता था क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कोई रिवॉर्ड जीतना, वो ग्रीडी मतलब वो लालची नहीं था, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, वो लालची नहीं था और उसको कोई चिंता नहीं थी कि वो अपनी लाइफ किसी लग्जरी में ऐशो आराम में वो जिए, वो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। तो किंग ने और जो हर्मिट था, हर्मिट मतलब वही जो अच्छा आदमी था साधु, उसने किस तरीके से वुंडेड मैन की हेल्प की थी? वुंडेड मैन, वुंड का मतलब होता है चोट या फिर जख्म, तो वुंडेड मैन जिसको चोट लगी हुई थी उसकी मदद किस तरीके से किंग और हर्मिट ने की थी? तो इसका आंसर है, द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बियर्डेड मैन बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वुंड दे ऑल्सो गिव हिम शेल्टर टू टेक रेस्ट। तो जो किंग था और हर्मिट मतलब जो साधु थे उन्होंने बियर्डेड मैन मतलब बियर्डेड डाली वाला वुंडेड इसमें अलग लिखा हुआ है, वुंडेड मतलब जिसको चोट लगी हुई थी उसकी हेल्प की थी कैसे? वॉश करके, साफ करके, ड्रेस करके, मतलब उसकी जो चोट थी उस पर पट्टी बांध करके और उसको शेल्टर दिया था मतलब रुकने की जगह दे करके, इस तरीके से रुकने की जगह दी थी ताकि वो रेस्ट कर सके, आराम कर सके। तो उसकी वुंड को साफ करके और उसकी वुंड पे पट्टी बांध के और उसको आराम करने की जगह दे करके किंग ने और हर्मिट ने उस बियर्डेड मैन की दाढ़ी वुंडेड मैन की, बियर्डेड लिखा हुआ है इसमें, वुंडेड मैन की हेल्प की थी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हु वॉज द बियर्डेड मैन। जो बियर्डेड मैन कौन था? बियर्डेड मैन तो एक एनिमी था किंग का, द बियर्डेड मैन वॉज एनिमी ऑफ द किंग, एनर्जी गलत लिखा हुआ है, एनिमी ऑफ द किंग। तो चैप्टर मैंने इसमें बना रखा है ऑलरेडी, आप प्ले लिस्ट में जाके चैनल की चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। तो वो जो बियर्डेड मैन था जिसको चोट लगी हुई थी उसने किंग की फॉरगिवनेस की
क्यों मांगी थी? फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी मांगना, तो माफ़ी की क्यों मांगी थी? द किंग सेंड हिम टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट एंड हैड डिसाइडेड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी। तो जो किंग था उसने भेजा था उस आदमी को डॉक्टर के पास, और ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास भेजा था कि ठीक कर दो उसको, डॉक्टर को इस मतलब इलाज करने के लिए भेजा था। और किंग ने ये डिसाइड किया था कि वो जो उसकी प्रॉपर्टी थी जो किंग ने जब्त कर रखी थी उसको वो वापस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉट वर द हर्मिट्स आंसर टू द थ्री क्वेश्चन? राइट ईच आंसर सेपरेटली। राइट आंसर डू यू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? तो इसका मतलब है क्वेश्चन का कि हर्मिट ने जो वो साधु था उसने तीन क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया था। आपको सबका आंसर जो है अलग अलग सेपरेटली अलग अलग करके लिखना है, और वो वाला आंसर आप मतलब बताइए कि कौन सा आपको आंसर सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। तो आंसर इज एस फॉलोज, आंसर इस तरीके से हैं सबके। द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर द किंग वॉज डिगिंग द बेड्स दैट सेव द किंग्स लाइफ। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो था किंग का वो टाइम था जब किंग जो है जो वो था ज़मीन को डिग कर रहा था, डिग मतलब खोद रहा था, और जिसकी वजह से किंग की लाइफ जो है वो सेव हो गई, बच गई। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है? जो काम आप अभी कर रहे हैं वो टाइम, जिस टाइम में आप अभी प्रेजेंट हैं वो टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड वाला जो आंसर है, द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन ही सेड दैट ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द किंग बाई होम द किंग वॉज सेव। तो सबसे ज़्यादा सेकेंड क्वेश्चन जो था वो ये था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हर्मिट ने कहा कि उस टाइम पर जो वो टाइम था वो खुद हर्मिट था किंग के लिए, क्योंकि उसकी वजह से किंग की जो है वो जान बची। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो होता है जिस टाइम में आप अभी हो। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो पर्सन होता है जिस पर्सन के साथ आप पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट हो। फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, टू डू गुड थिंग्स फॉर हिम हर्मिट वॉज किंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या था किंग के लिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये था कि वो जिस इंसान के साथ हो उस प्रेजेंट मोमेंट पर, उस प्रेजेंट टाइम पर, उसके साथ वो अच्छा व्यवहार करे, अच्छा करे। तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस या इंपॉर्टेंट काम होता है। तो फिर इसके फाइनल में आगे कहते हैं, वी लाइक द थर्ड आंसर बिकॉज टू डू गुड थिंग्स टू अदर और टू हेल्प अदर्स वी कैन बी गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन आर लाइफ। तो फिर लास्ट में बोलते हैं कि सबसे अच्छा आंसर जो हमें लगा वो ये लगा कि हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करना चाहिए, ताकि हम खुद भी अच्छे बन सकें और सफल सक्सेसफुल बन सकें अपनी लाइफ में। तो तीन क्वेश्चंस वाकई में बहुत अच्छे हैं। आप अगर खुद देखिए ना कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है, जो आपके पास टाइम अभी है, जिस अभी के टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं ना जो चाहे, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा होता है जो आपके साथ होता है इस प्रेजेंट मोमेंट पे। जैसे अगर आप अभी ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, इन क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से समझे, ताकि ये आपको लर्न करने में हेल्पफुल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो होता है जिसके साथ आप पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम पर जिसके साथ आप हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो हो गया हमारे इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट, और इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स भी चैप्टर के मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आपको और किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है या फिर आपको कोई नोट्स समझ नहीं आ रहे हैं तो वो नोट्स भी आप मेरे को सेंड कर सकते हैं और फिर मैं उनको आपको समझा दूँगी। सो थैंक यू सो मच।